अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम तमाम में ही हैं और ईद का दूसरा दिन है, तो आज हम फिर से कहीं निकले हैं और आज ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा थी, आज गर्मी कुछ ज़्यादा थी, इसीलिए हमने सोचा कि हम हाफ मून चले जाएं। हाफ मून समंदर है और यहाँ हम नहा भी सकते हैं, और आप आगे देखते जाइए। वैसे मेरा छोटा भाई हसन, उसका फर्स्ट टाइम है दमाम आने का और फर्स्ट टाइम हाफ मून पे आया है। हम यहाँ अक्सर आते रहते हैं, अक्सर नहीं मतलब साल या दो साल बाद, बट हसन जो है फर्स्ट टाइम है और काफ़ी इंजॉय कर रहा है। और अब यहाँ शाम हो रही थी तो हमने सोचा चेंज कर लें और फिर कहीं और चलते हैं। ये आप देख रहे हैं एक डेजर्ट है, सहरा है, तो इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया की जो जियोग्राफिकल है ना, वो उसमें सब डेजर्ट ही डेजर्ट है, यानी सहरा ही सहरा है। तो यहाँ सहरा में हर कोई आता है, यानी कोई फॉरेनर से आ गया तो वो सबसे पहले ये सहरा देखने आएगा। और यहाँ पर छोटी छोटी मोटरसाइकिल हैं, इनको यहाँ दबाव कहा जाता है, ये इनकी स्पोर्ट्स गेम है और इनकी फेवरेट है। तो यहाँ पर शाम हो रही थी, यहाँ पर बोट्स वगैरह कश्तियाँ वगैरह चलाई जा रही थी और रोड के साथ ही व्यू नज़र आ रहा था। सो अब हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं और आपको दिखाता चलूँगा वो लोकेशन, तब तक आइए देखिए। तो अब हम दूसरी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, इस डेस्टिनेशन का नाम नखील मॉल है और काफ़ी अच्छा ये इनका एंट्रेंस है, लाइट्स वगैरह। तो ईद का दूसरा दिन था और दूसरे दिन तो जाहिर सी बात है भाई, लोग ज़्यादा आएंगे ईद मनाने के लिए। तो आज भी कुछ ऐसा ही सीन था कि लोग ज़्यादा थे। मॉल काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ज़्यादातर मैं मॉल जाता हूँ तो मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर गेमिंग वगैरह भी हैं। तो ये सिनेमा है और सऊदी अरेबिया में दो
साल पहले सैनमा बना था रियाद में, और फिर 2 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे सऊदी अरेबिया में सैनमा बनना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए अब दमाम, जद्दा, रियाद, हर शहर में सैनमा है सिवाय मक्का मदीना के। तो गाइस यहीं तक व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है व्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। अभी हम खाना खाएंगे, फिर घर चले जाएंगे, फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।